मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बनाने जा रही हूँ ककड़ी की चटनी। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ककड़ी की सब्जी बनती है, तो साउथ इंडिया में इसकी चटनी बनती है। ठीक है। तो अमूमन तो एक जैसे ही प्रोसीजर है, कि हल्का सा फर्क है। तो आजकल ककड़ी बहुत आ रही है और इसकी टेस्टी बहुत बनती है चटनी। तो आपके यहाँ क्या, हमारे यहाँ इसको फूट भी बोलते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मैंने लिया मेथी दाना, आधा चम्मच मैंने लिया सरसों, 4-5 कलियाँ लहसुन की ली हैं, 3 मैंने सूखी लाल मिर्च ली हैं, 1 ये ककड़ी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मेथी दाना और जीरा को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ठीक है, ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। हाँ, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये कितनी देर ड्राई रोस्ट करना है? बस 1-1.5 मिनट, हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी। ठीक है, तो हम बंद कर लेंगे। अब क्या करना है? अब ड्राई रोस्ट हो गया, इसको हम इसमें कुंडी वाले जो है सोटा, इसमें कुंडी में रख देंगे ठंडा होना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल थोड़ा सा बस हल्का सा तेल डाल के सिम पे मैं लहसुन और ये लाल मिर्च डाल दूंगी रोस्ट होने के लिए। ठीक है, अब ये मतलब तेल में होंगे। हाँ जी। इस दौरान मैं ककड़ी को काट लूंगी, पहले हम इसको छीलेंगे। अच्छा, इधर से वो मसाला इसमें ठंडा हो रहा है? हाँ, जो आपने वो जीरा और वो पीसा था। ठीक है ठीक है ठीक है। और इधर ये रोस्ट हो रहा है? हाँ, ये रोस्ट हो रहे हैं हमारे लहसुन के दाने और लाल मिर्च। ठीक है। अब हमने इसको काट लिया है, तो इसके हम सीड सारे निकाल देंगे। ये देखिए, इसके बीज निकाल दिए मैंने। अब हम इसके छोटे छोटे डाइसेस कर लेंगे। हमारे मिर्च और लहसुन रोस्ट हो गया, ये भी हम इसी कुंडी में डाल देंगे। अब कुंडी में मैंने मिर्च, लहसुन, हमारा मेथी दाना और जीरा है, इसको हम कूटेंगे। मीन वाइल में जो ककड़ी काट कर रखी, इसको हम सोते होने रख देंगे, उसी जो बचे हुए तेल में थोड़ी नरम हो जाएगी। इसका मैं थोड़ा सा पाउडर सा बना लूंगी दरदरा, इसको 2 मिनट हम सॉफ्ट करेंगे, पकाएंगे। हमारा मसाला भी तैयार है, कि दरदरा कूटा है। देखिए शक्ल कितनी अच्छी आ रही है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ककड़ी हमारी पक गई है, इसे थोड़ा हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें। जो मसाला हमने कूट रखा था उसी में हम ये ककड़ी डाल देंगे और इसको हम कूट लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने फाइनली मतलब दरदरा सा चॉप कर लिया है, कूट लिया है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी करी पत्ते का और सरसों का, बस थोड़ा सा डालेंगे हम, तेल ज़्यादा नहीं डाल रहे। गर्म अब मैं इसमें सरसों के दाने डाल रही हूँ। जैसे सरसों के दाने क्रैकर होएंगे, तो इसमें मैं करी पत्ता डाल दूंगी। ये 5-6 करी पत्ते हैं, इसको हम तोड़ देंगे थोड़ा। तोड़ने से कैसी खुशबू बहुत आती है। राई हमारी क्रैकल हो गई है, तो अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अब इसमें मैं चटनी डाल दूंगी। तो ये ककड़ी की चटनी तैयार है। आप इसे स्टीम्ड राइस के साथ खाएं, डोसे के साथ खाएं, परौंठे पूरी के साथ भी खा सकते हैं, जो सब्जी भी इसको यूज कर सकते हैं आप। तो मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। तो ये ककड़ी की चटनी बनके तैयार है और खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसे चावल के साथ, स्टीम राइस के साथ खा सकते हैं, और आप सॉरी परौंठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चटनी हर एक चीज़ के साथ अच्छी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।